उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी को लेकर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। उन्होंने बताया कि आज राज्य के कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना अधिक है। इसके तहत ही 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। इसके आगे उन्होंने बताया कि मंगलवार को उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी क्रम में उन्होंने भारी वर्षा में पहाड़ की यात्रा करने वालों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, 6 और 7 के लिए बात करता हूं। 6 अगस्त आपकी है तो आज तो जो एक्टिविटी बढ़ रही है, पहले बोला भी था कि 6-7 में बढ़ेंगी एक्टिविटी, लेकिन 8-9 में फिर थोड़ी कम है, सामान्य के आसपास है, थोड़ी सामान्य से भी कमी रहेगी और 10 से फिर आगे जो फिर से थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि जो सामान्य है उससे ऊपर ही वो रहने वाली है, करीब 14-15 तक भी जाए इस तरह का दिख रहा है 2-3 दिन आगे जो है। तो अभी 2 दिन की बात करें, आज 6 और 7 के लिए तो ज्यादातर जगहों में बारिश है, जिलों में हल्की से मध्यम जो है, और जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, तो ये आज जो हैवी से वेरी हैवी रेंज में रखे हैं और उनको ऑरेंज में रखा है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें हैवी रेंज उनमें भी रखी गई है। इक्का दुक्का जगहों में जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं आज 6 तारीख के लिए उनमें भी हैवी रेंज वो रखी गई है। कल जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं जो हैवी रेंज है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट हमारे जिसमें कि पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहां तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों पर में वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है, एक आध स्टेशन कोई मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेन की संभावना नहीं दिख रही है।